हाँ ये दोस्तों 45 तक क्वेश्चन हो गया था, ठीक है, और आप लोगों को ट्रिकली एकदम समझाया गया था। आइए अब 46 से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक पुस्तक 13% हानि पर बेची गई, उसे 9.75 रुपये अधिक में बेचा जाता है, तो 126% का, केवल 26% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसको बनाते हैं। देखिए क्या करना है, कि बेचा जाता है तो एक को जो है 13% की हानि पर बेची जाती है पुस्तक को, और इतना अधिक में बेचा जाता है तो कितना होता है, 26% का लाभ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप 46 नंबर क्वेश्चन है ना, 46 नंबर, देखिए 26% का जब लाभ होता है ना, तो 126 कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद देखिए हानि कर रहा है 13% का, तो 100 में से घटाइएगा तो इतना हो जाएगा 47, ठीक है, 87 हो जाएगा। अब इसका अंतर देखिए कितना आएगा, अंतर देखिएगा तो आ जाएगा हमारा 39%, ठीक है, 39% का हानि हो जाए, 39% आ जाएगा, 39% बोला है ना, अधिक है बेचा में जाता है, अधिक बेचा जाता है, तो इसलिए इसको घटा दिए हैं, तो अंतर आ गया इतना। अब इसको 9.75 के बराबर कर देंगे, ठीक है, और जो 9.75 के बराबर कर देंगे, हमको पूछा क्या है कि क्रयमूल पूछा है, तो देखिए क्रयमूल को हमेशा 100% पर निकालते हैं, क्योंकि वो हमेशा 100% ही होती है। अब यहाँ पे वाट मान लीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, देखिए इसमें मान लीजिए यहाँ पे वाट है, तो यहाँ पे एक्स मान लीजिए, तो एक्स गुणे में 39 हो जाएगा, एक्स गुणे में 39 बराबर 100 गुणे में कितना, 9.75। अब देखिए अब एक्स है तो 100 गुणे 9.75 बटा में कितना हो जाएगा, 39। अब देखिए 10 से इसको हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100, 100 से 100 कट जाएगा, और 9 5 45 और ये आपका कट जाएगा 9, ये आपका कट जाएगा 25 मरतबा में चला जाएगा, 25 मरतबा में, तो ये पूछेगा कि कितना रुपये में, तो 25 रुपये जो है हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये कितना सिंपल में, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं इसको। आइए 46 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घोड़े को 10% हानि पर बेचा जाता है और 70 रुपये अधिक में बेचा जाता है, तो 4% का लाभ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 4% का लाभ बोल रहा है, तो 100 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 104, तो लिख सकते हैं क्या चीज़, 104। उसके बाद देखिए 10% का हानि होता है, तो जब 10% का हानि होता है तो घटा देंगे 100 में से 10, तो कितना हो जाएगा, 90। अब इसका अंतर देखेंगे, अंतर कितना आ जाएगा, अंतर हमारा आ जाएगा 14% का, तो 14% बराबर है कितना, 70 रुपये का, हमको निकालना क्या है, तो निकालना है क्रयमूल, ठीक है, क्रयमूल निकालना है, घोड़े को कितना में बेचा गया, सॉरी बेचा गया है ना, तो बेचा गया, तो सबसे पहले क्रयमूल हम लोग निकाल लेते हैं, तो जब हम लोग क्रयमूल निकालेंगे तो देखिए 100% हम बोले हैं कि 100 क्रयमूल निकालने के लिए 100% कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाट दे एक्स दे दीजिए, इसको इसके साथ गुना करिए और इसके इसके साथ, तो यानी 14 गुने में 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 70 गुने में 100, अब एक्स बराबर 70 गुने में 100 बट्टा में क्या हो जाएगा, 14 14 5 70, यानी कितना हो जाएगा, 500 रुपये, ये हमारा क्या हो गया, CP यानी क्रयमूल हो गया, क्रयमूल हो गया। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है विक्रयमूल, तो हम लोग विक्रयमूल बराबर जानते हैं कि विक्रयमूल बराबर क्रयमूल गुने 100, क्रयमूल गुने में 100 जोड़ लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, हानि निकालना है ना, 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत यानी 100 में से क्या करिएगा, 10% हानि ज्ञात कर दीजिएगा, अब बट्टा में 100, यानी हो जाएगा हमारा 500, 90 बट्टा में 100, यानी 9 5 45, 450 रुपये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, एकदम ट्रिकली है ये सब, ठीक है, आप लोग आराम से बना सकते हैं इसको। आइए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक उत्पादक जो है 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली एक किस्म को और 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दूसरी किस्म की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाकर बेचता है, मिलाता है सब्जी, उसके बाद क्या करता है कि यदि वह मिश्रित चाय के किस्म को 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला है, देखिए 8
रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम को क्या, तो कितना के अनुपात में, तो 4:5:3 के अनुपात में बेच रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिला देता है, सबसे पहले मिलाता है, तो देखते हैं उसका क्रय मूल्य कितना रुपया हो रहा है। ठीक है, अब इसका क्रय मूल्य हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य इसका हो जाएगा, क्रय मूल्य जो हो जाएगा, देखिए 18 रुपया जो है खरीद, 18 रुपया 5 के हिसाब से और 20 जो है 3 के हिसाब से। ठीक है, तो 18 × 5 = 90 और 20 × 3 = 60, यानी कितना हो जाएगा, 150 रुपया जो है हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, दोनों को मिला के और बेच रहा है, कितना, दोनों को मिला दिया। अब जब मान लीजिए दोनों को मिला दिया तो कितना है, दोनों को मिला दिया तो 21 रुपये बेच रहा है, 21 रुपये में, तो 21 रुपये में दोनों को मिलाया है, यानी 5 × 3 कर देंगे तो देखेंगे कि 21 × कितना है, 8, यानी 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 168 रुपया, 168 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब देखेंगे लाभ कितना आ रहा है, तो लाभ कितना आ रहा है, तो लाभ बराबर हम जानते हैं क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस का क्या होता है, क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य हमारा कितना है, विक्रय मूल्य हमारा 168 है और क्रय मूल्य कितना है, तो 150 तो निकालेंगे, तो 8 ये 1, 18 रुपया हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर जानते हैं क्या होता है, लाभ गुणे में 100 और बट्टा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा 150 है, कट दीजिए 1 0 से 1 0 और ये काटिएगा, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, 5 × 2 = 10, यानी 6 × 12% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देख रहे हैं, थोड़ा सा देखिए आप लोग समझिएगा ना तभी तो आसानी से बना पाइएगा, जब समझिएगा नहीं कि विक्रय मूल्य कौन हुआ, क्रय मूल्य क्या हुआ, लाभ क्या हुआ, है ना, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो बाद में आप लोग बनाने के लिए तो बना दीजिएगा, बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए उसके बाद बनाइए तो ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 49 नंबर। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्कूल मेल के अवसर पर 7वीं कक्षा के बच्चों ने खिलौने बनाए, इसके लिए उन्होंने 150 रुपये कपड़ा, 8 रुपया 50 पैसा धागा, 12 रुपया 50 पैसा रंग और 9 रुपये में रंगीन कागज़ खरीदा, खिलौनों को मेले में बेचने पर उसका कुल लाभ जो है 40% रहा, यदि उन्होंने आधे खिलौने को 50% लाभ पर बेचा हो तो शेष आधे पर उनका प्रतिशत लाभ निकाले। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को, 49 नंबर क्वेश्चन है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य में क्या करेंगे कि देखिए वो कितना कितना का वस्तु खरीदा है, 150 रुपये में जो है क्या खरीदा है, कपड़ा खरीदा है, तो 150 रुपया जोड़, उसके बाद 8 रुपया 50 पैसा है, उसके बाद 12 रुपया 50 पैसा है, उसके बाद 9 रुपया है, यानी कितना है, 180 रुपया, कुल 180 रुपया हो गया। ठीक है, जोड़िएगा तो कुल 180 रुपया हो गया। जब कुल 180 रुपया हो गया तो अब हम लोग निकालेंगे कि विक्रय मूल्य कितना हुआ। ठीक है, विक्रय मूल्य कह रहा है वहाँ पे, क्या कह रहा है कि वहाँ पे बोला जा रहा है कि 40% लाभ पर बेचा है। ठीक है, बेचने पर 40% के लाभ पर बेचा है, तो देखेंगे कि विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हमारा कितना है, 180, तो क्रय मूल्य गुने 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, यानी 40% हो रहा है तो 100 में जोड़ दे रहे हैं, और ये तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 252 रुपया हमारा आ गया, क्या चीज़, विक्रय मूल्य। अब देखिए आधा को क्या किया है कि 50% पर बेचा गया है। ठीक है, आधा को क्या किया है, 50%, तो देखिए पूरा कितना है, पूरा है हमारा 180, तो आधा कितना हुआ, 2 से भाग दे दीजिए, 90 हुआ। अब 90 को क्या किया है कि 50% लाभ पर बेचा है, तो 50% लाभ पर बेचा है तो क्या करेंगे, 50 जोड़ देंगे 100 में, तो लाभ हो जाएगा, यानी 1 0 से 1 0 1 0 15 = 135 हो गया। ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी विक्रय मूल्य हुआ। ये विक्रय मूल्य कब हुआ, जब हम आधा कर दिए हैं तब हुआ है, जब हम आधा कर दिए हैं तब हमारा हुआ है 135 रुपया। अब देखिए क्या करते हैं, तो अब देखते हैं कि हमको फिर इसमें लाभ कितना होता है, आधा पर लाभ कितना होता है, तो 252 में से 117 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, सॉरी 235 घटाएंगे ना, 135 सॉरी
252 में से 135 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये घटाइएगा तो 7, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, यानी 117 रुपया। अब 117 देखिए, आधा तो यहाँ पे हमारा यूज हो गया था, आधा तो बचा था ना, तो आधा पर निकालने के लिए बोला है लाभ प्रतिशत। तो आधा पर लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे तो लाभ में सबसे पहले लाभ निकालेंगे तो 117 पर आधा जो बचा है उसको लिखे हैं, तो आधा लिखे हैं तो घटाइएगा तो ये 7 और ये हो जाएगा कितना, 2। अब हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लिख देंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे में 100 बट्टा में क्या चीज़, क्रय मूल। तो क्रय मूल हमारा कितना था, आधा पर, तो 90, तो 1060 9327, यानी 30 रुपया जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 30 कितना प्रतिशत, लाभ प्रतिशत 30% जो है, 30% सॉरी परसेंट ना होगा, 30% हमारा लाभ हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसका शॉर्ट कोड थोड़ा नहीं बन पाएगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसको बनाया गया है। आइए 50 नंबर क्वेश्चन को टिकली बता दें। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ नारंगी 10 रुपये 40 की दर से और उतनी ही नारंगी 10 रुपये में 60 की दर से खरीदी। उसने मिला के 10 रुपये 50 की दर से, 10 रुपये 50, 10 रुपये में 50 की दर से बेचा, तो प्रतिशत लाभ या हानि याद कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सा। देखिए सबसे पहले जो रुपया रहेगा ना उसको ऊपर रखेंगे, तो क्या बोला है 10 रुपये 40 के हिसाब से, फिर बोला है कितना, तो 10 रुपये 60 के हिसाब से। विक्रय मूल्य हमारा कितना बोल रहा है कि उसको बेचा जा रहा है 10 रुपये में 50 के हिसाब से, तो 10 रुपये में 50 के हिसाब से सिंपली इसका एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा हमारा 600। ठीक है, तो 600 आ जाएगा, तो इसको 600 यहाँ पे, 600 यहाँ पे और 600 यहाँ पे क्यों किए हैं, देखिए क्यों किए हैं, ये हमारा सीपी है, ये भी हमारा सीपी है। देखिए क्यों किए हैं, करने का मतलब है कि देखिए फ्रैक्शन में है ना, ये फ्रैक्शन में है, बट्टा में है, तो बट्टा को हटाने के लिए फ्रैक्शन लिया गया है। अब देखिए 10 से 10 15 चौका 60, 10 से 10 10 छक 60, 10 से 10 12 5 60। अब देखिए ये फ्रैक्शन हमारा टूट गया, 15 में 10 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 150 रुपया, 100 में 10 में तो 100 से 100 आ जाएगा, अब इसमें 12 में तो 120 आ गया। अब ये और ये और ये घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखिए 20 30 हो गया, अब देखिए अंतर हमारा कितना आ रहा है, अंतर हमारा कितना आएगा यहाँ पे, 10% 10 होगा तो अंतर हमारा 10 हो गया। तो लिखेंगे देखिए, तो हमारा कितना क्या निकालना है, लाभ निकालना है ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर, मतलब ये हमारा लाभ आया है, इसको घटाएं तो कितना है, लाभ आया है 10 रुपया। अब लाभ प्रतिशत बराबर कितना, लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य देखिए यहाँ पे कितना है 150 और यहाँ पे कितना है 100, तो कितना हो जाएगा दोनों मिला के हो जाएगा 250, तो 250 लिख दीजिए। अब 10 से 10 5 2 सॉरी 5 5 25 5 2 10 यानी 5 2 10 यानी 2 2 4% जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए 51 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजू ने एक रेडियो 500 रुपये में ख़रीदा और रामू को 10% लाभ पर बेचा। रामू ने फिर उसे सामू को 6.14% लाभ पर बेच दिया, तो सामू ने उस रेडियो को कितना में ख़रीदा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हम आप लोगों को बताए थे कि कोई भी वस्तु अपने में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, ख़रीदा जाता है तो क्या होती है, 100%। देखिए क्वेश्चन बोला है कि रामू ने उसे 500 रुपये में ख़रीदा, तो ख़रीदा है 500 रुपये में, तो कोई भी वस्तु हम आप लोगों को क्या बताएं कि कोई भी अपने में 100% होती है, तो जब ख़रीदा जाएगा तो 100% होती है तो 500 रुपये में। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचा गया, जब 10% लाभ पर बेचा गया यानी 100 में 10 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110% बराबर लिख देंगे एक्स। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो देखिए इसको एक्स गुणे 100 बराबर इसको 500 गुणे क्या करिएगा, 110। अब एक्स बराबर 500 गुना 110 अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 100, 200 से 200 यानी 11 5 55, 550 रुपये हमारा कहाँ गया, ये एसपी आ गया, यानी एसपी माने का चीज़ विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, ये हमारा 550 रुपये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब पूछ रहा है उसको
छः पूर्णांक 1/4% लाभ पर बेच दिया गया तो उस रेडियो को कितना में खरीदा गया, क्रैमूल पूछा है। ठीक है, तो हम लोग क्रैमूल बराबर निकालेंगे। क्रैमूल बराबर जानते हैं क्या होता है, विक्रैमूल गुने 100 जोड़ लाख प्रतिशत, अब बट्टा में क्या होता है 100, 100 विक्रैमूल हमारा कितना है, देखिए 550 रुपये, तो 550 रुपये गुने 100 जोड़ लाख प्रतिशत, तो लाभ पर दे देखिए 6.4/6 बोला है, 6×6=24 आ 25/6, 6×6=24 एक 25/ कितना हो जाएगा 4, तो 25/4 लिख दीजिए, अब बट्टा में 100 है तो 100, अब इसको सिंपली कटा दीजिए तो 550 गुणे इसको 450 हो जाएगा, सॉरी 425, अब बट्टा में 4×100, अब कटा दीजिए 10 से 10 है ना, अब ये काटा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे काटिएगा ना, डायरेक्ट हम बता देते हैं, आप इसको काट लीजिए, टाइम वेस्ट हो जाएगा इसीलिए, और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन को हम टच कर दें इस